पता है मैं कौन हूँ। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम, स्वागत। यूपी वाला देखना शुरू कर चुके हो आप। और दोस्तों, आज फाइनली मेकर्स ने डबल स्मार्ट का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया, तो इसे आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ खास बातें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखो, वो फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत होती है राम पोतीनेनी के जबरदस्त डायलॉग के साथ, जहां पर राम पोतीनेनी का एक डायलॉग हमें सुनने के लिए मिलता है कि पता है कौन हूं मैं। ये वाला डायलॉग हमें ट्रेलर के शुरुआत में सुनने के लिए मिल जाता है। और उसके बाद भाई सब राम पोतीनेनी के आगे चल के लाइक एक डायलॉग और होता है, जहां पर समझ में नहीं पाता कि एक लड़की का आवाज में होता है, वो चला सड़क छाप छपरी लाइक राम पोतीनेनी को बोलती है, जो भी बोलती है, लेकिन जो वो राम पोतीनेनी की बुराई करती है। लेकिन भाई सब आगे चल के एंट्री होती है संजय दत्त भाव की, जहां पर संजय दत्त को एक लड़की राम पोतीनेनी के बारे में बता, उसके बाद संजय दत्त उससे पूछते हैं आखिर वो करता है क्या। इस तरह की तमाम तरह की बातें सामने निकल के आती हैं। और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि संजय दत्त उसे पकड़वा देते हैं राम पोतीनेनी को, और फिर राम पोतीनेनी के दिमाग में वो चिप एक बार फिर से फीड कर देते हैं। जिसने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आखिर फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद स्टोरी क्या रहने वाली है। जिसने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो एक काम करे, पहले इसका फर्स्ट पार्ट जाके देखें, उसके बाद इसका जो स्टोरी है फिल्म के ट्रेलर की वो आपको समझ आ जाएगी भाई साहब सेकंड पार्ट की। खैर, जो भी है भाई साहब, फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त है। एंड फिल्म के ट्रेलर में जो एक लास्ट का सीन है संजय दत्त का और राम पोतीनेनी का, जहां पर ये दोनों एक जगह खड़े हुए नजर आए, और दोस्तों ऐसा लग रहा है कि दोनों में धुआंधार लड़ाई होने की संभावना होती है। लेकिन भाई साहब पता नहीं लड़ाई नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती उसके बारे में इतना पता नहीं है, उसके लिए फिल्म को जाके देखना पड़ेगा। एंड दोस्तों, ये भी समझ में नहीं आया ट्रेलर को देखने के बाद कि संजय दत्त आखिर इस फिल्म में विलन है या फिर जो अपने राम पोतीनेनी भाव है उनके सपोर्ट में खड़े हैं, ऐसा भी कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि एक जगह पे तो इन दोनों में लड़ाई होने के चांस बढ़ जाते हैं, और वहीं दूसरी थोड़ी देर आगे चल के दोनों एक जगह मिल जाते हैं, जिसे देख के समझ नहीं आता साला हो क्या रहा है। खैर, जो भी है भाई साहब, फिल्म का ट्रेलर काफ़ी बढ़िया, मेरे को तो काफ़ी पसंद आया। और अगर आपको भी पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।